दोस्तों, क्या आपके आसपास कोई मेडिकल स्टोर संचालक या विक्रेता आपसे मास्क या सैनिटाइजर के लिए एमआरपी से ज्यादा पैसे ले रहा है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि हम आपको बता सके कि मास्क और सैनिटाइजर जैसी एसेंशियल कमोडिटीज की कालाबाजारी या ज्यादा पैसे लेने वालों के साथ आप क्या-क्या लीगल एक्शंस ले सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो इस वीडियो को बहुत सारे लाइक्स दीजिएगा, हो सके उतना शेयर कीजिएगा ताकि यह इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, कोरोना की इस महामारी के चलते हमारी सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने मास्क और सैनिटाइजर जैसी चीजों को एसेंशियल कमोडिटीज यानी सबसे जरूरी वस्तुएं बताकर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2005 के तहत इन चीजों की एमआरपी निर्धारित करके इनकी संग्रहखोरी और कालाबाजारी ना करने की घोषणा की है। फिर भी अगर कोई लालची व्यक्ति या संस्था ऐसी वस्तुओं की संग्रहखोरी या कालाबाजारी करता है तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार या उनके द्वारा नियुक्त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर, कमिश्नर ऑफ पुलिस या अन्य अधिकारी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1980 के तहत ऐसी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही कर सकते हैं, जिसमें ऐसे व्यक्तियों को ₹1,000 तक का जुर्माना और 15 दिन से लेकर 6 महीने तक की जेल यात्रा करनी पड़ सकती है। दोस्तों, अगर आपके आसपास की कोई लालची व्यक्ति ऐसी गतिविधियां करती नजर आए तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1800-111-4000 या फिर वेबसाइट consumerhelpline.gov.in पर अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा के एक जागरूक नागरिक के तौर पर अपना फर्ज निभा सकते हैं और ऐसे लोगों को अपने किए की सजा दिलवा सकते हैं। दोस्तों, स्टे होम स्टे सेफ, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।